नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक और फिर से तरोताजा सुर्खियों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो बता दूँ कि आज वट सावित्री पूजा महिलाओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसी के साथ आज शनिदेव शनि जयंती भी है। तो हम शनि महाराज का चलिए आशीर्वाद लेते हैं, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि देश में एक चाइनीज ऐप जो कि फ्रॉड और फेक ऐप है, उसने जो है देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और भारत सरकार ने खरीफ फसल में करी कर दलहन, अरहर, उड़द और धान की जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है उसके बारे में आगे बताऊँगा। उसका चक्रवात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो है नया तरीका खोजा है। और कोरोना संकट के बीच जो है इसराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन जाएगा। इसी के साथ भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल गोल में मेसी को पछाड़ दिया है। और मैं बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को जो है एक युवक ने थप्पड़ मार दिया है, वह हाई स्कूल का छात्र है और वो जो है छात्रों से मिलने के बाद जो है लौट रहे थे। तो चलिए, ये थी कुछ सुर्खियाँ, ऐसी एक साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बता दूँ कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, ताकि लोग भी जुड़ सकें। जो भी विद्यार्थी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं इस क्लास में, तो आपस आओ और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी करंट अफेयर्स की नोट्स, तो बिल्कुल मुफ्त है। और अपने एग्जाम की गति और दिशा दे सकते हो इस क्लास से जुड़कर। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज के क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो उनका जवाब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स इस वाले टॉपिक का जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। इसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी को इंस्पायर होकर मोटिवेट होकर अपने क्लास को अपने जीवन में एक नई दिशा के साथ ऊर्जा लाते हैं। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी जो है आपको पिछले 7 महीने से अधिक समय से 1000 से अधिक सवालों का जो है संग्रह आपको दिया गया है। तो लगातार प्रत्येक दिन 5 सवाल आपको दिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है, आप जुड़ सकते हो। आप सभी का स्वागत है हमेशा, आप आइए जुड़िए क्लास से। तो सबसे पहले आज का इतिहास जुड़े सवाल को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1986 में भारतीय टीम ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर जीत हासिल की थी। भारत ने इससे पहले इस मैदान पर 10 मैच खेले थे टेस्ट, लेकिन उसके बाद एक भी जीत नहीं मिली थी। कप्तान कपिल देव ने छक्का लगाकर जो है भारत को जीत दिलाई थी। आज ही के दिन वर्ष 2003 में नासा ने स्पिरिट रोवर को मंगल ग्रह के लिए रवाना किया था। यह 4 जनवरी 2004 को लाल ग्रह की सतह पर उतरा था। मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर बारिश, धूल, गर्मी, मिट्टी और वाष्पीकरण का पता लगाना था। आज ही के दिन वर्ष 1955 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बैडमिंटन में पहचान दिलाने वाले प्रकाश पादुकोण का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। मात्र 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहले प्रकाश ने जूनियर खिताब जीता, फिर 2 दिन बाद जो है सीनियर का खिताब जीत लिया। लगातार 2 बार राष्ट्रीय रहने वाले चैंपियन रहने का रिकॉर्ड भी जो उनके नाम दर्ज है। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, कोरोना काल में चीन के ठगों ने लाखों भारतीय रुपयों का जो है अपना शिकार बना लिया है। फर्जी चाइनीज एक पावर बैंक के जरिए न केवल देश भर में लाखों लोगों को का डाटा चुराया, बल्कि पैसा दुगना करने का झांसा देकर 5 लाख से अधिक लोगों से 150 करोड़ रुपए ठग लिए। इससे देश भर के 50 लोग जुड़े हुए हैं, लाख लोग जुड़े हुए हैं और सारी तक महज 2 महीने हुई है। सारी ठगी महज 2 महीने में की गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इंटरनेट मीडिया पर ठगी के शिकार लोगों की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जो इससे जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर पावर बैंक और इजी प्लान को लेकर खूब पोस्ट किए जा रहे थे। लोग इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस्तेमाल कर रहे थे। पावर बैंक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहीं इजी प्लान वेबसाइट पर उपलब्ध था। इन दोनों एक पर निवेश करने पर 2 गुना रकम देने की बात की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है फिर देश के लोगों को ठगा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। और इसको जो है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब ने जो जांच के बाद इसको जो है पता किया है और कहा गया कि झांसा देकर लोगों से डेटा और उनकी निजी सुरक्षा चुराते हैं और लोगों को ठगते हैं। इसका सर्वर का ऐप का होस्ट जो है चाइना में स्थित पाया गया है। तो
शिक्षा चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। हासिल हो जाएगी मंजिलें, हासिल हो जाएगी मंजिलें, तू खुद पर यकीन रख, झुक जाएगा आसमां भी, तू पैर जमीन पर रख। बिल्कुल सही बात है, लोगों में जो है एक धैर्य होनी चाहिए, तभी जो है कुछ किया जा सकता है। यदि धैर्य नहीं है, आप सोचोगे कि नहीं आज हम एक दिन में, दो दिन में, एक महीना में, एक साल में, एक अटेंड में एग्जाम पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो या बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या जनरल लाइफ में, हर जगह जो नई नई चैलेंजेस चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। तो ज़रूरी है कि आप सभी को कि आप जो है धैर्य से काम ले, कदम फूक फूक कर चले और रणनीति बनाते हुए अपने ज़िंदगी में बदलाव लाए। रोज़ एक नई उत्साह और ऊर्जा के साथ जो है अब जिए और जो है नया कुछ करने की कोशिश करें, तभी जो है जीवन में सफलता मिल सकती है। तो बहुत ही सुपर्ब लाइन थी इनके द्वारा लिखी गई, तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी शख्सियत है ये जिन्होंने लिखा है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। की ओर तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए अगेन। तो चलिए जानते हैं, देश भर में पावर बैंक और अर्निंग ऐप के माध्यम से 50 लाख लोगों को 250 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। तो मैंने जो है उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं चेक कर पाया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, लेकिन बता दूं कि उत्तराखंड की जो है वहाँ की ATS और उत्तराखंड पुलिस ने जो है ये STF ने जो है ये बातें कही है कि धोखाधड़ी में जो है नोएडा के भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसके बाद जो है ये बात आई है और जो है इसको तेज़ी से इस पर जांच किया जा रहा है। तो पुलिस की टीम जो है पहले इस ऐप पर खुद को पंजीकृत कराया और खुद पैसे के जरिए जो है इसको भेजा है और जालसाजों का द्वारा उपयोग किए लिंक, भुगतान गेटवे, UPI ID, लेनदेन ID, बैंक खाते आदि की पहचान की गई। उसके बाद जो है इसको नंबर से जाँच करके इसको पकड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार ने खरीफ की प्रमुख फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये कर दिया है। इसमें और भी अरहर, तिलहन, मूल उड़द की भी जो है बढ़ाई गई है। तो ये कुछ आपको डेटा में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से सरकार ने किन किन में जो है बढ़ाया है। तो ये डेटा देख सकते हैं, ज्वार में 118 रुपये बढ़ाया गया है, उसी तरह से बाजरा में 100, राजी में, रागी में 82, 79 रुपये, मूंग 72, धान ए ग्रेड, सोयाबीन का 70 रुपये, मक्का का 20 रुपये बढ़ाया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो है वीडियो कॉल इंडस्ट्री को अधिग्रहण 3000 करोड़ रुपये में के लिए वेदांता की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी को मंजूरी दे दी है। तो बहुत बड़ा जो है डील काफ़ी दिनों से अटका हुआ था जो आखिरकार पूरा हो गया। इसको नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल ने जो है इसको पूरा किया है। तो कहा गया है कि 500 करोड़ रुपये भुगतान 45 दिनों के अंदर की जाएगी और शेष 2500 करोड़ रुपये का जो है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर के रूप में जो है किया जाएगा। तो NCLT जो है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो है मुंबई की खंडपीठ ने वीडियो कॉल इंडस्ट्री के लिए जो है ट्विन स्टार का समाधान योजना को मुख्य रूप से मंजूरी दी और लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका अनैतिक चीनी कंपनियों के खतरे से निपटने के लिए जो है 18 लाख करोड़ रुपये का बिल जो है लाया है। ये बिल जो है अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा ताकि चीन को जो है उससे बचा जा सके। चीन को बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए जो 14 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया है। तो लगभग इस बिल को जो है 68 से 30 की प्रक्रियागत मंजूरी मिल गई है और जल्द ही जो है इस पर काम किया जाएगा। 54 बिलियन डॉलर, 190 बिलियन डॉलर अलग अलग दो जो है पास किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य अफ्रीकी देश सल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा की मान्यता दी है। तो बहुत ही बड़ा देश है इसकी बात की जाए तो, मतलब छोटी देश है, सॉरी, ये मध्य अमेरिकी देश है ये, और जिसको राष्ट्रीय नायब बुकेले, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले ने कहा है कि इसे जुड़ा एक विधेयक तैयार है, इसे पास होने पर देश में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा की मान्यता मिल जाएगी। तो बताऊँ तो नायब बुकेले वहाँ के राष्ट्रपति हैं और सैन सल्वाडोर जो है वहाँ का राजधानी है अल सल्वाडोर का। नेक्स्ट बता दूं मैं कि झारखंड के राजनीतिक दल भारतीय जनतंत्र मोर्चा को भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है नई दिल्ली में पंजीकृत किया है। तो मैं बता दूं कि भारतीय जनतंत्र के अध्यक्ष जो है मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र
धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि विधायक सरयू राय के दिशा निर्देश पर पिछले अगस्त में जो है भारतीय जनतंत्र की भारत राजनीतिक दल के रूप में जो सूचीबद्ध किया गया है, ये देख सकते हैं बाएं साइड में सरयू राय जी हैं जो कि विधायक हैं झारखंड से। उसको जो मार्च 2021 में जो है पूरा पत्र सूचित कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार जो है इसको मिल गया और कोरोना के कारण जो है इसको नहीं पहुँच पाया था लेटर, लेकिन आखिरकार जो है इनको मिल गया भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हलफनामे पर देश में हुए अनाथ बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगा दी है। तो कहा जा रहा है कि 30,071 बच्चे जो है अनाथ हुए हैं, उनमें से 26,176 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया, जबकि 3,621 बच्चे अनाथ हो गए, यानी दोनों उनके माता पिता चले गए हैं। 274 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रिश्तेदारों ने भी जो है त्याग दिया है। इसी के साथ जो है कोरोना काल के दौरान बेसहारा बच्चों को देखभाल पर जो है सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आया है। इसमें कोर्ट ने इन बच्चों को अवैध रूप से गोद के लेन देन पर चिंता जताई है, साथ ही राज्यों को निर्देश दिया कि ऐसे काम में लगे स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट चलते हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू को जो है औपचारिक रूप से अपनाया है। तो ये पहली कोई देश है जिसको जिसने जो है कू को अपनाया है, और ट्विटर पर जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के द्वारा बैन लगाया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी हैं और वहाँ का राजधानी जो है अबूजा है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। तो आखिरकार जो है एक देश ने जो है कू ऐप को सोशल मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया ऐप है, एक सिग्नल भी ऐप है वो भी भारत का है, जिसको भी जो है आप लोग सभी ट्विटर का एक ऑप्शन के रूप में इसको अपना सकते हो, इसको चला सकते हो। चलिए आखिरी दो सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 जून को पूरे विश्व में जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया गया गया था। तो बी सॉल्यूशन नॉट पॉल्यूशन इसका थीम था। तो 2021 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये, इसको जो है हर साल मनाया जाता है, जिससे जो है लोगों में एक अच्छे स्वास्थ्य की जो है आशा की जा सके, और लोगों को जो है सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग जो है साइकिल को बढ़ावा दें, इलेक्ट्रिक साइकिल हो या साइकिल हो, ताकि लोग जो है इससे सेहत बन सके। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल। 8 जून को पूरे विश्व में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया। इसी को लेकर जो है लोगों को जागरूकता फैलाया गया, लोगों को जो है सही समय पर सही इलाज मिल सके और ट्यूमर की जानकारी हो सके, उसके लिए जो है लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को इलाज से संबंधित जानकारी दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है प्रत्येक साल 8 जून को, और 8 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, इस दिन दो दो दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है यूएन की द्वारा। ये थी आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए इसी के साथ आगे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, उसके बाद खास इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट पर डिस्कशन करूँगा। चलिए आज का सवाल को से रूबरू होते हैं। तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले जो है वर्ष 1905 में प्रस्तावित किया गया था। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या 5 होती है। अल्मोनियम सबसे अधिक नमिया या लचीला, फ्लेक्सीबल या डक्टाइल जिसको बोल सकते हैं होता है। तांबा और जस्ता पीतल के घटक होते हैं, यानी मिक्सचर है ये पीतल का। और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था विज्ञान से जुड़ा हुआ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ठीक है, लेकिन मैं वन लाइनर क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ ठीक है। मैं एक्चुअली साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस से भी जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ जो है, मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और एम कॉम मैंने किया है, और मैं एज ए प्राइवेट ट्यूटर जो है अपना ट्यूशन क्लासेस डेली अटेंड करता हूँ, कंडक्ट करवाता हूँ। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है कि आपको मैं आगे दिखलाने वाला हूँ। बेहद ही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती है प्रत्येक दिन जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नई नई जानकारियों से रूबरू कराऊँ। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कंपनियाँ गायब हो गई है, जो पंजीकृत कंपनियाँ हैं वो गायब हो रही है, यानी रजिस्टर के साथ साथ जो है वो अब दिख नहीं रही है, यानी उसका वजूद खत्म हो रहा है। तो महाराष्ट्र में 14, गुजरात 7, तमिलनाडु 6, दिल्ली पश्चिम बंगाल 5, कर्नाटक हरियाणा आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सभी में जो है कंपनियां गायब हो गई है रजिस्टर करवा करके। आखिरकार कहां गई, इसका अस्तित्व क्या है, तो सरकार को खोजने की काम है। सरकार इसके लिए जो संस्थाएं बनाई गई वो अपनी काम करेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2022
और से 32 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक होगा। तो वर्तमान में बोले जाने वाले 1900 से अधिक स्थानीय बोलियां 10,000 से कम वक्ता हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से 2032 तक को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया है। केंट यूनिवर्सिटी के मानव विज्ञानी और संरचनावादी डॉक्टर जोनाथन लोह कहते हैं कि स्थानीय बोलियों में अज्ञात दवाओं का जो है मूल्यवान ज्ञान हो सकता है। देसी बोली एक बार खो गई तो फिर कभी वापस नहीं मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, ये बहुत ही बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको यूपीएससी एसएससी में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर नोट्स बनाएं इसका, क्योंकि इस तरह का जानकारियां आपको कहीं जो है हर जगह नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो ये बेशक ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, तो इसको आप नोट्स जरूर बना लें। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, सब आखे जाते हैं। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं बता दूं कि कल का आप लोगों ने क्लास जो भी स्टूडेंट नहीं कर पाए, उनको टाइम नहीं मिल पाया हो किसी कारण से, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जुड़ सकते हो। और बता दूं कि रात को 8 बजे आना ना भूलो, जो भी यूनिवर्सिटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, शुरू हुई है।